बच्चों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विभिन्न वर्गों में अव्वल रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला शिमला से लगभग 400 प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खेल सचिव दिनेश मल्होत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया गया। वहीं इस मौके पर विजय प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला शिमला बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव विजय धौटा ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल सचिव दिनेश मल्होत्रा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसमें लगभग 400 एंट्री आई हुई हमारे पास पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट से, तो इसमें आज इसकी क्लोजिंग है। इसकी क्लोजिंग जो है हमारे श्री दिनेश मल्होत्रा जी, जो यूथ एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, वो कर रहे हैं। इसमें जो हमारे ऊना में स्टेट होनी है, उसमें लगभग हमारे 12 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मैन और वुमेन में। और बाकी जो अंडर 19 के जो टूर्नामेंट सोलन में होना है, उसमें हमारे जो बच्चे चयनित हुए हैं, वो जो है अगस्त में चैम्पियनशिप होनी है। और उसके बाद एक मंडी में चैम्पियनशिप होनी है, अंडर 15 अंडर 17 स्टेट चैम्पियनशिप, उसके लिए भी हमारे प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। और एक चैम्पियनशिप शिमला में ही होनी है, अंडर 13 सब जूनियर, उसके लिए भी हमारे प्लेयर्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।